श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ द्वितीय दिवस की कथा ध्रुव संकल्प यात्रा दधीच महादान गाथा। गोंडा में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का किया गया आयोजन, जहां कार्यक्रम स्थल महादेव लान नवीन गल्ला मंडी बहराइच रोड पर श्रीमद भागवत ज्ञान कथा प्रथम दिन शाम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुरजीत विभाग प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रणविजय सिंह, सभा जिला कारवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक शारदा कांत पांडे, विभाग संयोजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शिव कुमार पांडे, आशीष पांडे उर्फ मंटू पांडे जी डायरेक्टर ने दीप प्रज्वलन करके कथा का शुभारंभ किया। श्रीमद भागवत ज्ञान कथा दीप प्रज्वलन करके कथा शुभारंभ किया। मंच पर आशुतोष महाराज जी की साध्वी शिष्या भारत विख्यात पद्म हस्ता भारती व्यासपीठ पर कथा सुना रही हैं। कथा का प्रसंग है भागवत महात्म्य वराह अवतार तथा कथा उत्सव भव्य आरती की गई। आज वितरण किया गया श्री राम स्वामी जी। महिलाओं की टीम में ऋतु जायसवाल, विद्यावती मिश्रा, श्रीमती किरण मिश्रा, श्रीमती हरकेश सिंह, श्रीमती शशि जायसवाल, श्रीमती सरोज जायसवाल, वहीं युवा परिवार सेवा समिति के अध्यक्ष ऋतु जायसवाल, अन्य सेवादार भाई बहने भी रहे मौजूद। भव्य आरती पंडित जगदीश तिवारी ने अजमान रामकरण मिश्रा, वरिष्ठ एडवोकेट संतोष कुमार जायसवाल, अजय कुमार जायसवाल, जमुना प्रसाद मिश्रा, विश्वजीत शुक्ला, इन लोगों ने प्रथम दिन कलश यात्रा में भी हुए शामिल और शाम को 5 बजे दीप प्रज्वलन में आरती में रहे मौजूद। सुमधुर भक्ति भावों से पूरित भजनों से सुसज्जित इस 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजन का शुभारंभ आज दिनांक 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक प्रतिदिन सायं 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक होगा। के भीतर एक भगवान वराह का मंदिर है, कितने लोगों को पता है? पता है ये उसी स्थल पर बना है जहां पर भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था और धरती का उद्धार किया था। सजना ही वराह भगवान कौन थे? वराह का अर्थ क्या होता है? ये दो शब्दों के मेल से बनता है वर जमा आह। वर अर्थात शुभ, आह अर्थात दिवस। वो शुभ दिवस सजनों हमारे जीवन में जिस दिन धरती का उद्धार होता है। धरती जो धरणी है, धरती जिसे सुखदात्री कहा गया, जब इस सुख का हरण होता है जीवन से तो उस समय जीवन में आवश्यकता पड़ती है वराह अवतार की। जब जब हमारी धरती को अर्थात हमारे चैन अमन, हमारे सुकून, हमारी शांति को, हमारे पीस को तार में छीन दिया जाता है, इसकी प्राप्ति कहां से होती है? सजनों, संसार ने छीना ही, आपको कभी दे नहीं सकता। छीनता कौन है? जिसके पास खुद